इस्लामी हिंद सोलापूरच्या वतीने वृक्षारोपण करण्यात आले. दावते इस्लामी हिंद सोलापूरच्या वतीने संपूर्ण सोलापूर शहरामध्ये वृक्षारोपण करण्यात आले. वाढत्या उष्ण तापमान कमी करण्यासाठी आणि ऑक्सिजन वाढवण्यासाठी आम्ही वृक्षारोपण कार्यक्रम हाती घेतले असून संपूर्ण सोलापूर शहरामध्ये 500 हून अधिक वृक्ष लावण्याचे उद्देश हाती घेतले आहे, असे निगरान दावते इस्लामी सोलापूरचे निषाद अत्तारी यांनी यावेळी सांगितले. याप्रसंगी निषाद अत्तार, शहर काझी सय्यद मुफ्ती अमजद अली काझी आदी मान्यवर उपस्थित होते. आज हम सब शजरकारी यानी दरख्त लगाने की इस मुहिम की मुनासिबत से इकट्ठा और जमा हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की तरफ से पूरे मुल्क वीर सतह पर शजरकारी की मुहिम शुरू की गई है और हज़ारों लाखों की तादाद में दरख्त पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं. इसी मुनासिबत से शाह सोलापुर की तरफ से सोलापुर में कमोवेश 500 दरख्त लगाने का अज़्म किया गया है और इसी मुनासिबत से आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं. इस्लाम ने बतौर ख़ास दरख्त लगाना, दरख्त की हिफाजत करने की तालीमात दी गई. खुद नूर मुकर्रम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दरख्त लगाने की और दरख्त की हिफाजत की आपने तालीम दी. सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, अबू दाऊद है, मुस्नद अहमद है और दीगर कुतुब हदीस हैं जिसमें ये रिवायतें मौजूद हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरकारी को यानी दरख्त लगाने को सदक़े जारिया से ताबीर किया है. सदक़े जारिया यानी ख़त्म न होने वाला सवाल. और न सिर्फ इतना बल्कि आपने इस दरख्त लगाने वाले को दरख्त की हिफाजत करने की भी तलकीन करना है. आप बतौर ख़ास सहाबा को हुक्म दिया करते थे कि दरख्तों की हिफाजत की जाए, दरख्तों को काटा न जाए. और आज हम देखते हैं कि इस दरख्त की जो फ़वाद हैं साइंस ने बड़े खूबी के साथ बयान किया कि ये दरख्त नहायत ही इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है और अहमियत का हिस्सा है. दरख्त जाहिर बात है हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो जज्ब करता है और माहौल में ठंडक पैदा करता है. और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि जिस रफ्तार से दरख्तों की और जंगलात की कटाई की जा रही है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो हमें सामना है, दर्जे हरारत इसी वजह से मुसलसल बढ़ता जा रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारे सामने मसला है वो मसला बड़ी ही हमारे सामने आज मौजूद है. तो हम सबकी वो इस ज़रूरत को महसूस करना है कि दरख्त लगाना, शजरकारी करना ये वक्त की अशद ज़रूरत है. और अगर हम इंसानी ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, इस माहौल को इसी तरह हम बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं तो दरख्त लगाना यानी शजरकारी करना बहुत ज़रूरी है. इस मकसद को हम समझें. दावत इस्लामी ने बढ़ चढ़ कर इनिशिएटिव लेते हुए इसमें हिस्सा लिया है. मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह इनके अज़ाइम को उनके मकासिद को पाए तकमील तक पहुँचाए और इनके इस काम में बरकतें नसीब फरमाए और हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए. अपने अपने इलाकों में, मोहल्लों में, जहाँ कहीं मुयस्सर आए दरख्त लगाएं, शजरकारी करें, ये बहुत ज़रूरी है. और हम ये करते हुए यकीन जाने न सिर्फ इंसानी माहौल की और इस दुनिया की हिफाजत करेंगे बल्कि इस्लाम की दी गई तालीमात पर अमल करेंगे इंशाल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.